दोस्तों वाइन मेकिंग की इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्लोबेल से बियर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये ग्लोबेल का आपको पता ही है कि यह कितनी गुणकारी बूटी है, तो ये बहुत ही उत्तम एक औषधि है। तो आज हम इससे बियर बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने ये फ्रेश बेल ली है गिलो की, तो इसके हम डंठल और पत्ते इसमें डालेंगे। तो हम सबसे पहले डंठल जो है उनको दोस्तों हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और हम साथ में कुछ पत्ते भी ले लेंगे। ये मैंने बेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिसके डंठल और ये पत्ते भी देखिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम इनको धोएंगे अच्छी ही तरह। इसका दोस्तों हमको पका कर अच्छी तरह काढ़ा बना लेना है। जब ये जो पानी जब काफ़ी सूख जाएगा इसमें तो हम इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों यह देखिए ये पकने शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सौंफ डालने जा रहा हूँ। दोस्तों इसको अच्छी ही तरह पका लेना है, इसका पानी थोड़ा सूख जाए तब इसको हम उतार लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इसका काफ़ी पानी इसमें से सूख चुका है, ये देखिए इसका रंग भी सुनहरी हो चुका है। अभी हम इसको उतार लेंगे। मैं इसमें दोस्तों ग्रेन्स वगैरह भी नहीं डालूंगा सिर्फ। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये ग्लोबेल का ही काढ़ा लूँगा। ये दोस्तों बहुत बढ़िया बनेगी बियर। दोस्तों ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगी। ये तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो दोस्तों शुगर हम एक लीटर पानी के पीसे दोस्तों 1.5 से 2 ग्राम हम इसमें शुगर डालेंगे। थोड़े हम इसमें गुलाब के फूल डालेंगे। दोस्तों मैं भूल गया था, गुलाब के फूल हमने पहले ही पानी में पका लेने थे। तो दोस्तों आप बाद में भी डाल सकते हो। हम इसमें कुछ लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक भी डालेंगे। आधा नींबू डालेंगे, आधे से भी थोड़ा कम ही डालेंगे। थोड़ा हमें नींबू का पील भी इसमें डालेंगे। तो दोस्तों हम इसमें आधा चम्मच ईस्ट डालेंगे। तो दोस्तों जो काढ़ा हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे जार में। तो दोस्तों अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं ये देसी खंड का उपयोग करने जा रहा हूँ। आप चाहते हो इसमें गुड़ का उपयोग भी कर सकते हो, गुड़ से भी ये बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, लेकिन मैं देसी खंड का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सभी इंग्रेडिएंट्स जो लौंग, इलायची और बाकी जो सब कुछ हम धीरे धीरे करके सभी कुछ इसमें डाल देंगे। नींबू का हम थोड़ा पील इसमें डालेंगे, जो छिलका होता है नींबू का वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा। और दोस्तों आधा नींबू हम इसमें डाल देंगे नीचे ओढ़कर। तो दोस्तों ये रेड स्टार का ईस्ट है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों ईस्ट है। ये आप चाहो तो अमेजोन से मंगवा सकते हो। अगर कुछ लोग ब्रेड बनाने वाला ईस्ट यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। ब्रेड बनाने वाले ईस्ट से दोस्तों थोड़ी स्मेल आता है वाइन या बियर से, और ये नीचे गार बहुत बैठ जाता है जार के। दोस्तों ये कुछ मैंने डंठल लिए थे, ये भी मैं इसमें डाल लेता हूँ, थोड़े उबले हुए डंठल गिलो बेल के। तो दोस्तों एयर लॉक ट्यूब लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। दोस्तों जब अभी ये 15 दिन तक फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद में यह पीने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये 8 घंटा बाद ये देखिए ये फर्मेंटेशन होना शुरू हो चुका है। ये बढ़िया फर्मेंटेशन हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों यह देखिए ये बियर फर्मेंटेशन होना बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया बियर तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है, गोल्डन कलर बना है इसका।
आप भी ऐसे आयुर्वेदिक बियर बना सकते हो घर में ही बिल्कुल इजी तरीका से। ये जो बियर है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हमारे खून को साफ करेगा और दोस्तों कैस्ट्रोल को कम करेगा। तो दोस्तों चलिए इसको छान लेता हूँ पहले। तो दोस्तों हमने यह बियर को छान लिया है, अभी हम इसको जार में डाल देंगे। एक या दो दिन तक ऐसे ही जार में पड़ा रहने देंगे। जब ये इसका ईस्ट नीचे बैठ जाएगा तो हम इसको बोतल में डाल लेंगे। ऐसे तो इसमें ज़्यादा ईस्ट वगैरह नीचे नहीं बैठता क्योंकि ये बढ़िया क्वालिटी का ईस्ट है, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसको दो दिन के लिए फिल्टर ज़रूर करेंगे। दोस्तों इसको जार में डाल के बाद में हम इसको बोतल में डालेंगे दो दिन बाद। तो दोस्तों ये देखिए ये तकरीबन एक या डेढ़ दिन हो चुका है। ये देखिए ये वाइन जो है अब हम इसको बोतल में डालेंगे, जो भी इसका ईस्ट होगा वो नीचे तकरीबन बैठ चुका है। आप चाहो तो ज़्यादा दिन भी इसको छोड़ सकते हो क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों इसको अभी मैं बोतल में डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया इस बियर का कलर आया है। तो इसको बोतल में डाल लेते हैं। बोतल को मैंने पहले सैनिटाइज कर लिया है, आप भी जब भी बोतल में डालो तो इसको सैनिटाइज करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमने बियर को बोतल में डाल लिए हूँ। दोस्तों ये देखिए आज इसके आर पार भी दिख रहा है, अभी ये देखिए ये क्लियर हो चुका है। इसका टेस्ट भी बढ़िया आया है दोस्तों, मैंने अभी इसका टेस्ट किया था, बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों बियर की बोतल में गैस बनाने के लिए मैं थोड़ी पिसी हुई चीनी डालने जा रहा हूँ। दोस्तों ये शुगर को मैंने पीस लिए हूँ, 1 स्पून इसमें मैं ये शुगर डालूँगा। दोस्तों आप इस तरीका से इसमें बोतल में गैस बना सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरीका से हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ऐसे पीने के लिए बियर या वाइन बना सकते हो। दोस्तों ये सेहत के लिए अच्छा होता है, ये वाइन जो होता है वैसे भी अच्छा होता है, ये तो है ही जड़ी बूटियों से बना हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी और भी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।